हेलो फूरीज, दिस इज किंजल कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक टू लिव विद किंजल। आज है ना, मैं आप लोगों के लिए गुजराती फेमस ऑथेंटिक स्टाइल दाल ढोकले की रेसिपी लाई हूँ। जी हाँ, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आपको वेट गेन का भी कोई टेंशन नहीं है, और गुजराती तरीके से बता रही हूँ तो एनीवेज टेस्टी तो बनेगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाफ कप मैंने तुवेर दाल ली हुई है, इसे अच्छे से दो तीन पानी से वॉश करेंगे और चार विसल लगाने तक इसे हम कुक करने वाले हैं प्रेशर कुकर में। देखिए, अच्छे से मैंने वॉश किया है और देखिए कितना पानी मैं ऐड कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और फोर विसल्स लगाने तक वेट करते हैं। और एक पतीले में मैंने लिया है हाफ कप गेहूं का रोटी का जो कॉमन आटा आता है वो। इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, हींग, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक जो मैंने पहले ही आटे में मिला दिया था। मोहीन के लिए हम इसमें डालेंगे तेल और एक टाइट सा डो हम बांध लेंगे, जो हम थेपले के लिए बनाते हैं वैसा ही डो बनाना है। रोटी से थोड़ा सा हार्ड होगा। दूसरी ओर जो हमने प्रेशर कुकर में दाल डाली हुई है, वो कुकर की फोर विसल्स होने पर हम उसे तुरंत ही नहीं ओपन करेंगे, कुकर को अपने आप ही ठंडा होने देंगे। और तब तक हम यहाँ पे ढोकले की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम ही ठंडा हो जाने पर ही हम ओपन करेंगे। देखिए, अच्छे से मसलना है डो को, सो दैट इसमें एक ग्लूटेन डेवलप हो जाए अच्छे से और ढोकले काफ़ी अच्छी बने। थोड़ा सा तेल लगाकर फिर से अच्छे से मसलेंगे दो तीन मिनट तक। देखिए किस तरह से मैं इसे मसल रही हूँ अच्छे से। थोड़ा सा हार्ड होगा ये कंसिस्टेंसी में, और ढककर इसे 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलते हैं तड़के की तरफ। एक पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़े से सरसों के दाने यानी राई। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाता है, राई थोड़ा सा क्रैकल होने देना है। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे दालचीनी, थोड़े से मेथी दाने और दो तीन लौंग। इससे तड़के में डालने पर काफ़ी एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, और ये कंपलसरी है, दालचीनी तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, आप प्लीज़ इसे स्किप ना करें। थोड़ा सा जीरा, हींग, हल्दी और थोड़े से कड़ी पत्ते अच्छे से सॉटे कर लेंगे, और थोड़ा सा टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मेरा तड़का हुआ है कंप्लीट, और अगर आप चाहें तो इसमें पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने स्किप किया हुआ है। आप ये स्टेज पे यहाँ पे पीनट्स ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं वो भी। अब इसमें जाएगा गार्लिक जिंजर चिल्ली पेस्ट, यह आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गुड़ मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ऑफ कोर्स गुजराती स्टाइल है तो मीठा तो बनेगा ही। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और अब हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है, तो ये जो दाल हमने कुक की हुई थी वो मैंने ऐड की है। देखिए, ये दाल ढोकली बहुत ही हैवी होती है, तो आप इसे लंच या डिनर किस में भी प्रेफर कर सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, एज ए स्नैक भी खाया जाता है, और साइड डिश भी आप इसे खा सकते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर इसे डिनर में लें। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे थोड़ा वाटरी कर लिया है, क्योंकि ढोकली जाने पर ये बाद में बहुत ही ज़्यादा फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी दाल ढोकली। और इसे आप जब भी बनाइए इंस्टेंट खाइए, क्योंकि रख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ मैं, मैंने दाल बॉईल करने के टाइम नमक ऐड नहीं किया था, पूरे डिश का एक साथ नमक मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ को तड़के में भी ऐड कर सकते हैं। अब बनाते हैं हम ढोकली, क्योंकि 10 मिनट हमने आटे को भी रेस्ट दे दिया है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, डो बॉल्स मैंने काट लिए हैं तीन इक्वल साइज़ के, और एक अच्छा सा रोटी बेलेंगे, और रोटी का भी आप अगर देखेंगे तो थिकनेस ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, और मीडियम साइज़ रोटी बेलेंगे और उसे स्क्वायर या डायमंड शेप में आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप के पीसेस कट किए हैं, और इसे हम डालेंगे हमारी दाल में। साइड के जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें निकाल सकते हैं, ताकि सारे ढोकली के पीसेस एक समान दिखें।
काफ़ी क्विक, झटपट, आसानी से बनने वाली है ये डिश और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर से ट्राई करें। इसी तरह से मैं बाकी के डो बॉल्स भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। और सारी ढोकलियाँ प्रिपेयर होने पर अब मैं इन्हें इस दाल में ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है इस वक्त, और एक एक करके डालते जाना है, सब एक साथ न डालें, अदरवाइज सब एक साथ एक जूट हो जाएंगी और चिपक जाएंगी एक दूसरे को। अलग अलग करके डालें और इसे ढककर फिर हम 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए किस तरह से अब दाल ये जो इतनी वाटरी दिख रही है वो तुरंत ही मिनटों में गाढ़ी हो जाएगी। इसे ढककर हम पकाएंगे लो फ्लेम पर आफ्टर 10 मिनट्स। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गए हैं। मेक श्योर आपको 10 से 12 मिनट इसे देना है पकने के लिए, क्योंकि ढोकली अदरवाइज कच्ची रह जाती है। उसे अच्छे से धीमी आँच पर एकदम तसल्ली से अंदर ही पकने देना है। दाल के साथ उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस होकर आता है। और देखिए गाढ़ी भी हो चुकी है काफ़ी, और ये जब तक बॉईल हो रही तब तक जाइए और फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए गए बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा और इसे कोरिएंडर से गार्निश कीजिए। तो तैयार है हमारी गुजराती स्टाइल ऑथेंटिक फेमस दाल ढोकली। इसे आप अनियन टोमेटो के सैलेड के साथ सर्व कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाहिए तो आप इस पर लेमन भी स्क्वीज करके खाइए, काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट देता है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर।